हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ड्रीम 11 के बारे में ए टू जेड कंप्लीट प्रोसेस। कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है, कैसे आपको फ्री में 100 रुपए खेलने के लिए मिलेगा, कैसे टीम सिलेक्ट करना है, कैसे कॉन्टेस्ट पे पार्टिसिपेट करना है और जीते हुए पैसे बैंक में कैसे लेना है, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ड्रीम 11 के रिलेटेड वीडियो आगे भी आपको ऐसे ही मिलते रहे। ड्रीम 11 खेलने के लिए आपको ड्रीम 11 का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। या तो आप ड्रीम 11 का ऑफिशियल साइट से, जो कि dream11.com है, वहां से भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और ये ऐप आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा। प्ले स्टोर में आप ड्रीम 11 सर्च करेंगे तो बहुत सारा फेक रिजल्ट मिलेगा, मगर इनमें से कोई भी ऐप ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर कोई भी बेटिंग ऐप को प्रमोट नहीं करता, उसलिए आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा। तो आपको डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन से करना पड़ेगा या फिर आपको ऑफिशियल साइट से जाके करना पड़ेगा। तो जैसे कि देख रहे हैं, ये रहा ड्रीम 11 का ऐप। अब इस पर रजिस्टर करना है कैसे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत केयरफुली रहना है। यहाँ पे देखिए सेकंड वाला ऑप्शन दिखा रहा है आपको, यहाँ पे देखिए हैव ए रेफरल कोड, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ही आपको फ्री में 100 रुपये मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको कहीं भी दूसरा क्लिक करना नहीं है, तो आप यहाँ पे बहुत ही केयरफुल रहिए। तो यहाँ पे एंटर रेफरल कोड में आपको क्लिक कर लेना है। तो चलिए क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका एक रजिस्टर का फॉर्म ओपन होगा, यहाँ पे आपको सब कुछ एंटर करना है। तो जैसे कि देख रहे हैं, पहले में पूछ रहा है आपको एंटर इनवाइट कोड। तो अगर आपके पास इनवाइट कोड नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनवाइट कोड दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके कॉपी करके इसको पेस्ट कर दीजिएगा यहाँ पे, तो आपको फ्री में 100 रुपये मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो इसको आपको बिल्कुल भी ब्लैंक नहीं छोड़ना है, इसमें आपको रेफरल कोड देना ही देना है, तभी आपको 100 रुपये मिलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछ रहा है मोबाइल नंबर, जो कि मोबाइल नंबर वेरीफाइड होगा ओटीपी के माध्यम से। उसके बाद ईमेल आईडी वेरीफाई करना पड़ेगा यहाँ पे, और उसके बाद एक पासवर्ड देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मैं इनवाइट कोड दे देता हूँ पहले, AMINU715VW। देखिए ये रहा मेरा इनवाइट कोड, आपको यही कोड देना है। ठीक है, तो एक कोड आप दे दीजिए, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। तो चलिए मैं मोबाइल नंबर दे देता हूँ। उसके बाद आपको ईमेल आईडी देना है, तो चलिए ईमेल आईडी भी दे देता हूँ मैं। उसके बाद आपको एक पासवर्ड सेट करना है। ठीक है, तो पासवर्ड भी दे देता हूँ मैं। ठीक है, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ परमिशन मांगेगा, तो सब परमिशन आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद आपका फोन नंबर वेरीफाई होगा। ठीक है, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। देखिए वेरीफाई हो रहा है, देखिए वेरीफाई कंप्लीट हो चुका है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको अपकमिंग मैच सिलेक्ट कर लेना है, तो जो भी मैच आपको खेलना है उसको सिलेक्ट करना है। तो जैसे देखिए आज का मैच है चेन्नई वर्सेस राजस्थान, तो इसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पे एक टीम सिलेक्ट करना है, जो कि दो टीम के अंदर से टोटल 22 प्लेयर होता है, जिनमें आपको बेस्ट 11 प्लेयर सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 100 पॉइंट आपको मिलता है, 100 पॉइंट के अंदर ही आपको 11 प्लेयर सिलेक्ट करना है। तो जैसे कि देख रहे हैं, ऐसे यहाँ पे लिखा है एम धोनी का पॉइंट है 9, तो अगर आप धोनी को सिलेक्ट करते हैं तो आपके यहाँ से 9 पॉइंट काट लिया जाएगा। तो ऐसे ही आपको सभी प्लेयर का पॉइंट काट के आपको 100 पॉइंट के अंदर 11 प्लेयर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ ऑप्शन मिलता है, यहाँ देखिए ऊपर की तरफ विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर, इनमें से आपको सिलेक्ट करना है। तो देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, बॉलर आप 3 से 5 बॉलर सिलेक्ट कर सकते हैं, अप टू ऑलराउंडर आप 1 से 3 ऑलराउंडर सिलेक्ट कर सकते हैं, बैट्समैन आप यहाँ से 3 से 5 बैट्समैन सिलेक्ट कर सकते हैं, और आप विकेट कीपर एक ही विकेट कीपर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ मैं। तो जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे 3 विकेट कीपर दिखा रहा है, जॉस बटलर, एमएस धोनी और जगदीश सेन। तो यहाँ पे जॉस बटलर और एमएस धोनी खेलने वाला है, दो टीम के अंदर से 2 विकेट कीपर। तो इनमें से आपको जो भी प्लेयर बेस्ट परफॉर्म कर पाएगा आपको ही विकेट कीपर सिलेक्ट करना है। तो अगर आपको लगता है जॉस बटलर अच्छा खेलेगा तो उसको सिलेक्ट करना है, अगर आपको लगता है एमएस धोनी अच्छा खेलेगा तो उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो मुझे लगता है धोनी अच्छा खेलेगा तो मैं धोनी को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है,
उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे बैट पे। तो बैट पे जाएंगे तो देखिए आपका सभी बैट्समैन का नाम आ जाएगा, जितना भी बैट्समैन है। तो आपको यहाँ से बेस्ट बैट्समैन सिलेक्ट करना है, जो जो बैट्समैन अच्छा खेल पाएगा मैच में वही आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। ध्यान में रखिए, बहुत ही केयरफुली आपको टीम सिलेक्ट करना है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि कौन कौन प्लेयर अच्छा खेल सकता है, तो इसी हिसाब से आपको टीम सिलेक्ट करना है। तो मुझे लगता है राजंग के रहने अच्छा खेल पाएगा, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं अभी जल्दी जल्दी करता हूँ तो इसलिए आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद सुरेश रैना को कर लेता हूँ, संजू सैमसंग को कर लेता हूँ, अम्बाती राइडू को कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे डी शॉट को कर लेता हूँ। पांच प्लेयर देखिए सिलेक्ट हो चुका है। अब आप बैट्समैन नहीं सिलेक्ट कर पाएंगे, देखिए यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो मैक्स 5 बैट्समैन अलाउड यहाँ पे लिखा रहा है, तो आप पांच ही मैक्सिमम सिलेक्ट कर पाएंगे वहाँ पे। उसके बाद आपको ऑलराउंडर पे जाना है यहाँ पे। जैसे ही ऑलराउंडर पे जाएंगे तो सभी ऑलराउंडर का नाम आ जाएगा, इनमें से आपको एक से तीन ऑलराउंडर आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं ड्वेन ब्रावो को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा रविंद्र जडेजा को सिलेक्ट करूंगा। तो आप एक से तीन ऑलराउंडर सिलेक्ट कर सकते हैं, मैंने दो किया, ठीक है। उसके बाद बॉलर पे जाना है आपको। तो आप जैसे ही बॉलर जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए तीन से पांच बॉलर ले सकते हैं, तो उसके हिसाब से आपको बॉलर सिलेक्ट करना है। तो बॉलर मैं कर लेता हूँ, धवन कुलकर्णी को ले लेता हूँ मैं। तो देखिए अभी आपका 18 पॉइंट लेफ्ट है, तो जैसे ही यहाँ पे देखिए 8.5 पॉइंट, ऐसे ही सभी पॉइंट दिखा रहा है, और पॉइंट हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। तो 100 पॉइंट के अंदर ही आपको 11 प्लेयर सिलेक्ट करना है। तो मैं हरभजन को कर लेता हूँ, इमरान ताहिर को कर लेता हूँ। तो देखिए कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे तो देखिए 100 के अंदर मेरा सिर्फ एक पॉइंट ही लेफ्ट है, ठीक है। तो आप इस हिसाब से अपना टीम बना लीजिए 100 के अंदर। तो यहाँ पे देखिए सब ग्रीन हो चुका है, विकेट कीपर बैट्समैन ऑलराउंडर बॉलर मतलब सभी कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 11 प्लेयर सिलेक्टेड, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दिखाएगा आप कौन सा टीम से कितना प्लेयर सिलेक्ट किया। तो मैंने चेन्नई से 7 सिलेक्ट किया है, राजस्थान से 4 प्लेयर सिलेक्ट किया है। तो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट दिखा रहा है, तो आपको यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे अब आता है आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। तो यहाँ पे आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्ट करना है। तो आपको बहुत ही केयरफुली करना है, जो प्लेयर सबसे अच्छा खेलेगा उसको ही कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि आपको धोनी को ही कैप्टन सिलेक्ट करना है, विराट कोहली को ही कैप्टन सिलेक्ट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो आपको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कौन सा प्लेयर सबसे बेस्ट खेल पाएगा, तो उसे ही आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। मुझे लगता है संजू सैमसंग अच्छा खेलेगा तो मैं उसे कैप्टन कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे लगता है अम्बाती राइडू अच्छा खेल पाएगा तो मैं उसे वाइस कैप्टन कर देता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे 2x लिखा है, मतलब संजू सैमसंग जितना रन करेगा मुझे उसका डबल पॉइंट मिलेगा, अगर 10 करता है तो मुझे 20 पॉइंट मिलेगा। और वाइस कैप्टन पे देखिए 1.5x लिखा है, यानी वाइस कैप्टन जितना करेगा उसका डेढ़ गुना मुझे मिलेगा, अगर 10 रन करता है तो मुझे 15 रन मिलेगा, ठीक है। और बाकी जितने भी प्लेयर है जितना रन करेगा उतना पॉइंट, अगर 10 रन करता है तो मुझे 10 पॉइंट मिलेगा। इस तरह सभी पॉइंट डिवाइडेड होगा। तो आपको टोटल 22 प्लेयर के अंदर से 11 प्लेयर सिलेक्ट कर लेना है जो कि बेस्ट बेस्ट प्लेयर होगा और बेस्ट परफॉर्म कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेफ टीम लिखा है, तो आपको सेफ टीम पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए मेरा टीम दिखा रहा है, तो जैसे कि देख पा रहे होंगे यहाँ पे देखिए धोनी कीपर है, उसके बाद संजू सैमसंग कैप्टन है, उसके बाद अम्बाती राइडू वाइस कैप्टन है, और बाकी सभी प्लेयर है। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ज्वाइन कॉन्टेस्ट, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं आपको कॉन्टेस्ट में ज्वाइन करके दिखाता हूँ कैसे क्या पार्टिसिपेट करते हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पॉपुलर कॉन्टेस्ट है मेगा कॉन्टेस्ट, जिसमें आपको एंट्री फी देना है 59 रुपीज़, और यहाँ पे देखिए टोटल मेंबर प्ले कर सकता है 6,60,000। देखिए यहाँ पे लिखा है 6,60,000 पार्टिसिपेट करता है। विनर्स कितना होगा 3,30,000, देखिए ऊपर में लिखा है 3,30,000 विनर्स होगा। और देखिए विनिंग प्राइस कितना है 3 करोड़, यानी 3,30,000 में आपको 3 करोड़ रुपये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अगर आप जीतते हैं। तो 50% विनर्स होगा, जितना पार्टिसिपेट है उसका 50% विनर्स होगा, ठीक है। तो आपको मिलने का चांस, पैसा मिलने का चांस 50-50 हो जाता है। तो अगर आप जीतते हैं तो आपको 3 करोड़ रुपये के अंदर से रैंकिंग के हिसाब से पैसा मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, आप पहले बार खेल रहे हैं या फिर आप बिगेनर हैं, तो आप पहले ये सब मत खेलिए, आप छोटा पार्टिसिपेट कीजिए, जैसे 20 रुपये 25 रुपये ये सब खेलिए, ठीक है। तो मैं आपको एक कॉन्टेस्ट में ज्वाइन करके दिखाता हूँ जो कि फ्री में है, कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता है। तो वहाँ पे आप फ्री में ज्वाइन करके पहले 2-1 मैच खेल लीजिए, ठीक है। पहले जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा फिर आप बड़ा गेम खेलिए। तो यहाँ पे देखिए एंट्री फी लिखा है 0 रुपये और 100 टीम खेल सकता है। तो आपको पहले यही खेलना है, खेल के थोड़ा एक्सपीरियंस कर लीजिएगा, उसके बाद आप बड़ा गेम खेलिएगा, जो सब मेगा कॉन्टेस्ट है सब वो सब खेल सकते हैं, तो उसमें जीतने का चांस आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। या फिर आप 20-25 रुपये का गेम खेल सकते हैं जो कि बिगिनर लेवल पर होता है, ठीक है। तो देखिए मेरा ज्वाइन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए नीचे लिखा है ज्वाइन द कॉन्टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे आपने इस कॉन्टेस्ट पे ज्वाइन किया है तो आप यहाँ पे देख पाएंगे।
तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे अपना सब कुछ देख पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे रैंकिंग दिखाएगा, तो मेरा रैंकिंग अभी एक नंबर पे दिखा रहा है। तो इस तरह आप यहाँ से रैंकिंग देखना देख पाएंगे, ठीक है। और आप चाहें तो यहाँ पे मल्टीपल टीम भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा है स्विच द टीम, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए आपका ये टीम नंबर 1 है, आप यहाँ पे क्लिक करके न्यू टीम भी बना सकते हैं, ठीक है। मतलब आप एक से ज़्यादा 2-4 कॉन्टेस्ट एक साथ खेल सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग टीम बना के भी खेल के ट्राई कर सकते हैं, तो जिसमें आपको जीतने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद देखिए नीचे ऑप्शन आ रहा है माय कॉन्टेस्ट, तो उस पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो भी कॉन्टेस्ट पे पार्टिसिपेट किया वो यहाँ पे दिखाएगा। तो यहाँ पे टीम दिखा रहा है, तो उसके बाद देखिए मैंने 0 रुपीज़ का पार्टिसिपेट किया है यहाँ पे, तो ये वाला दिखा रहा है। तो इस पर जाके आप फिर से वो वाला चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मी लिखा है, तो ये आपका प्रोफाइल है। तो इसमें जाएंगे तो आपका यहाँ पे प्रोफाइल दिखाएगा कितना लेवल पे है, यहाँ पे आपका लेवल दिखाएगा, ठीक है। तो ये लेवल देख सकते हैं आप। उसके बाद देखिए अकाउंट है, अकाउंट में आप देखिए यहाँ पे लिखा है आपका ऐड कैश, इस पर क्लिक करके आप रुपये ऐड कर सकते हैं बैंक से और पेटीएम की मदद से। तो यहाँ पे आप 100 रुपये अगर ऐड करना चाहते हैं तो 100 रुपये दीजिए, 10 रुपये चाहते हैं तो 10, जितना भी चाहते हैं उतना भी दीजिए, ठीक है। उसके बाद ऐड कैश पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको पूछेगा देखिए पेटीएम के थ्रू करना चाहते हैं और कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं और इंटरनेट बैंकिंग, ठीक है। तो पेटीएम सबसे बेस्ट है, तो पेटीएम से ही कीजिएगा अगर आपको पैसा ऐड करना है। तो बैंक जाना है सिंपली। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको वेरीफाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको देखिए मोबाइल नंबर वेरीफाइड पूछ रहा है, ईमेल आईडी वेरीफाइड पूछ रहा है, ठीक है। तो ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा, उसके बाद उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको देखिए पैन कार्ड का डिटेल्स देना है, ठीक है। तो पैसा बैंक में लेना है तो पैन कार्ड तो लगेगा ही, तो पैन कार्ड का डिटेल्स देना है। तो यहाँ पे आपको पैन कार्ड का पिक्चर अपलोड करना है, उसके बाद नाम देना है, पैन नंबर देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है, स्टेट सेलेक्ट करके सेव कर देना है। तो आपका 24 घंटे के बाद आपका वेरीफाइड कर लिया जाएगा आपका पैन कार्ड, ठीक है। उसके बाद आपका ऑप्शन आ जाएगा बैंक का, तो यहाँ पे देखिएगा जब पैन कार्ड वेरीफाई हो जाएगा तो ये ऑप्शन आपका खुल जाएगा। यहाँ पे आपका बैंक का अकाउंट नंबर पूछेगा, सब कुछ आईएफएससी कोड पूछेगा, डिटेल्स पूछेगा, सब बैंक का सभी डिटेल्स मांगेगा, ठीक है। तो उसको आपको दे देना है। तो अगर आप दे देते हैं तो आपका जितना भी पैसे जीतेंगे वो आपका बैंक में आएगा। तो यहाँ पे देखिए कैसे समझेंगे कितना रुपये जीते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपका लिखा है विनिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका दिखाएगा आप कितना रुपये जीते हैं, अगर 100 जीते हैं तो 100 दिखाएगा, 500 जीते हैं 500 दिखाएगा, 1,00,000 जीते हैं तो 1,00,000 दिखाएगा। तो अगर आप ये वेरीफाइड कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको विड्रॉल का ऑप्शन मिल जाएगा, तो विड्रॉल पे क्लिक करके आपको आपका बैंक में पैसा ले लेना है जितना भी जीतेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कैश बोनस दिख रहा है, जो आप पहले बार 100 रुपये जीते थे इनवाइट के थ्रू से। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो देखिए लिखा है प्लेइंग हिस्ट्री, तो यहाँ पे देखिए सब कुछ दिखाएगा, कितना कॉन्टेस्ट आप खेले हैं, कितना जीते हैं, कितना मैचेस हुआ है, कितना सीरीज जीते हैं, और यहाँ पे आपका रैंकिंग दिखाएगा, ठीक है, आप कितना रैंक पे हैं, सब कुछ है। और उसके बाद यहाँ से आप अपने फ्रेंड को इन्वाइट भी कर सकते हैं। तो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आप अगर यहाँ पे आते हैं मोड पे, तो मोड पे यहाँ पे आपका कुछ ऑप्शन दिखाएगा जो कि उतना कुछ खास नहीं है, ये सब आपका इन्फॉर्मेटिव है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है होम पे आने के बाद आप जो भी टीम पे पैसा लगाना चाहते हैं उस टीम पे सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे माय टीम्स आएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करके देखिए आपको टीम क्रिएट करने को बोलेगा, देखिए यहाँ पे टीम क्रिएट लिखा है, तो टीम क्रिएट कर लीजिएगा जैसे कि पहले मैंने दिखाया। सभी टीम क्रिएट करने के बाद आपका इसे टीम को सेव कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से आप देखिए ज्वाइन कॉन्टेस्ट, यहाँ पे आप कॉन्टेस्ट पे ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी कॉन्टेस्ट पे ज्वाइन कीजिए, 1 से ज़्यादा 2, 4, 10 जितने भी हो ज्वाइन कीजिए और 1,00,000 रुपये जीतिए, ठीक है। तो इसमें जीतने का कोई भी लिमिट नहीं है, अगर आप ठीक ठाक खेलते हैं, अगर आपका प्रिडिक्शन सही रहता है तो आप 1,00,000, 2,00,000 भी जीत सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ड्रीम 11 के बारे में कुछ भी प्रॉब्लम रह गया हो, कुछ समझ नहीं पाए तो कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का जरूर रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ड्रीम 11 के रिलेटेड और भी वीडियो मैं लाता रहता हूँ। कौन सा टीम सेलेक्ट करना है, क्या टीम सेलेक्ट करना है, सभी मैं एक दिन पहले लाता रहता हूँ, तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए।